याद ही रह जाती है। बॉबी देओल 1990 के दशक और 2000 के दशक में बहुत बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन 2010 के शुरू होते ही वो सुर्खियों से गायब हो गए और धीरे धीरे आधे अधूरे नाम बन गए, खासकर उन लोगों के लिए जो उनकी शुरुआती फिल्म देखने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये उनके गुजरे जमाने के सुपरस्टार धर्मेंद्र के बेटे होने के बावजूद था, लेकिन पिछले कुछ सालों में बॉबी देओल ने एक दमदार वापसी की है, जिसे उनकी दूसरी पारी भी कहा जा रहा है। उन्होंने G5 फिल्म लव हॉस्टल और MX प्लेयर मूल श्रृंखला आश्रम में अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा अर्जित की है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि बॉबी देओल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बॉबी देओल एक कार में बैठे हुए हैं और ट्रेवल करते हुए नजर आ रहे हैं। और बॉबी देओल इसमें एक अलग ही लुक में नजर आ रहे हैं, आप भी देख सकते हैं बॉबी देओल का ये वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि बॉबी देओल इन दिनों अपने नए नए लुक में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बॉबी देओल के वर्क फ्रंट की बात करें तो बॉबी देओल अपने 2 और फिल्म एनिमल में नजर आने वाले हैं। बॉबी देओल और रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी भी शामिल है। ये फिल्म 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। हाल दोस्तों आपको बॉबी देओल की इस वीडियो पर क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। Obviously, मेरी गदर आ रही है इसके बाद तो। इस साल बड़े पर्दे पर कई ऐसी फिल्में रिलीज होने वाली हैं जिसे देखने के लिए लोग काफी बेताब हैं। उनमें से एक फिल्म है गदर 2, जिसके जरिए मेकर तारा सिंह और सकीना की आइकॉनिक लव स्टोरी को एक बार फिर बड़े पर्दे पर लाने वाले हैं। अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म गदर 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था, और अब इसी का दूसरा पार्ट जल्द ही आ रहा है, जिसे देखने का फैंस और इंतजार नहीं कर सकते। मैं बताना ना भूले बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।